तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथिल राजेश। आपके अपने चैनल मैथिल राजेश में वेलकम करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का, और ये चैप्टर का नाम है एवरेज या औसत। तो ध्यान रखिए, इसके पिछले एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आए नहीं थे, पर मैं इसको जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो उसमें एक क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में रखा था, इसलिए मैं इसको चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक चीज को समझते हैं और कैसे फॉर्मूले यूज होंगे और औसत होता क्या है। सही देखा जाए तो औसत क्या है, कोई भी चीज बराबर बराबर सब में बांटना, सब में बराबर बराबर बांटने की बात है। समझिए कैसे, जैसे मैं कहूं आपसे 20 है 30 है 40 है, तो ऐसा कुछ नंबर होगा जो तीन लोगों में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। जैसे ये ए है, बी है और सी है, तीन लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो कितना बांटा जाए कि सबको बराबर बराबर आए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वैसे अगर हम आपसे बात करें सबको बराबर बराबर बांटने की जरूरत है, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और जितने लोग हैं उससे भाग दे देंगे। ऐसे में आपसे कहूं कि ये 60 रुपए है जी, और सब में तीन चार लोग हैं, और चार लोग में बराबर बराबर बांटना है। जैसी बराबर बराबर की बात आएगी तो आप चार से भाग दे देंगे, और चार से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब चार लोगों में सबको बराबर और कितना रुपए मिलेगा, 15 मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही क्या रहे, इतना इतना अलग से नंबर रहे और सबको बराबर बराबर बांटने की बात आएगी, तो पहले तीन को इकट्ठा करेंगे, सबको जोड़ेंगे और जितने लोग रहेंगे उतने से भाग लगा देंगे। यही होता है और इसी से फार्मूला बना है। तो पहले फार्मूला लिखिए क्या है, बेसिक चीज, इसका फार्मूला क्या है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यही इसका एक फार्मूला है और कुछ नहीं है, एवरेज में एक ही फार्मूला चलता है। और आपको यही ध्यान देना है, जितने भी टर्म्स हैं सबको जोड़ देना है, और जितने भी टर्म्स हैं उससे जोड़कर उतने ही टर्म्स से हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मतलब क्या है, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स एंड क्या कर देंगे, अपान में नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब जितने भी पद हैं, जैसे यहाँ देखना है आपको तो कौन कौन से टर्म थे, आपका 20 था, पदों का योग मतलब ये पद हैं, ये टर्म्स हैं, दूसरा पद था हमारा 30 और तीसरा पद था 40। जितने भी पद हैं उनमें से हमें भाग देना है, देखिए भाग दे दिए। तो ये है पदों का योग, जितने भी पद थे योग, जितने पद हैं क्या पद हैं, तीन पद हैं, तो तीन पद से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा, और जब 90 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे, और 90 में 3 से भाग देंगे, 3 का 9, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है इसका मतलब कि सभी को कितना कितना मिला है, तीनों लोग में प्रत्येक को 30-30 रुपए मिला है, रुपए में अगर होगा तो ऐसा, ठीक है ना। तो आपको इतना ही ध्यान देना है और इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। एवरेज का यूज कई जगह होता है, जैसे आप देखेंगे कोई क्रिकेटर होता है वो अपना 10.5 के एवरेज से अपना वो रन बना रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका रन रेट क्या है, उसका रन रेट ये दिखाता है कि वो प्रत्येक क्रिकेट प्रत्येक मैच में वो इतना रन बनाता है, एक एवरेज निकल के आता है, मतलब एक आंकड़ा ये निकल के आता है कि वो प्रत्येक में हर मैच में उतना बना रहा है। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हर मैच में उतना ही बनाता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन एक एवरेज निकाल लेते हैं। वही चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे आप लोग समझेंगे क्या, पहले तो प्राकृत संख्याओं का औसत बोलेगा, जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन कर देगा जितना हम लोग नंबर सिस्टम में योग करना सीखे हैं उतनी संख्याओं का औसत पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है कि सम आपके प्राकृत संख्याओं का योग पूछ सकता है, नहीं योग नहीं औसत, क्योंकि औसत पढ़ रहे हैं, औसत पूछ सकता है, सम संख्याओं का औसत पूछ सकता है, विषम संख्याओं का औसत पूछ सकता है, और अभाज्य संख्याओं का भी पूछ सकता है। लेकिन अभाज्य संख्याओं के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस आप जोड़ेंगे, जितनी अभाज्य संख्या रहेंगे उससे भाग लगा देंगे, तो बेसिक आपका वही काम करेगा। बट कुछ के लिए शॉर्टकट, जैसे योग करना हमने शॉर्टकट आपको बताया है, तो वैसे ही औसत निकालना भी शॉर्टकट है,
योग करने से ही हम आपको बताएंगे कैसे कैसे औसत का फार्मूला बना है। चलिए हम लोग देखते हैं और इसमें क्या होगा, पहले हम प्राकृत संख्याओं का योग करना सीखेंगे। तो नोट कर लीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, समझिए प्राकृत संख्याओं का औसत करना है। पहले इसमें मैं फार्मूला बता देता हूँ, सारे फार्मूला यहाँ करवा देता हूँ, फिर एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन को एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे, जब प्राकृत संख्याओं का औसत, पहले तो हम योग का फार्मूला आपको बताया थे, योग कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फार्मूला बताया था n+1/2, यही था फार्मूला आपके पास, यही एक फार्मूला था। तो ये फार्मूला जो बना था कैसे, यहाँ ये प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला था, प्राकृत संख्या का योग का फार्मूला था। बट हमें अगर औसत निकालना है तो योग, ये योग है और बटे क्या होता है, पद। पद क्या है, यन ही नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अगर हमें औसत निकालना, देखिए यहीं से फार्मूला बन जाएगा, मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, औसत या यन प्राकृत संख्याओं का औसत, तो यन यन प्लस वन, ये तो पदों का योग हो गया और पदों की संख्या से भाग देना है, पदों की संख्या यन ही है, तो यन से यन कट जाता है, तो बन जाता है फार्मूला n+1/2, यही आपका एक फार्मूला बन जाता है। तो मैं एक आपको और फार्मूला बता रहा हूं जो सबके लिए काम करेगा, मैं उसको बाद में बताऊंगा और वो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, यन पदों यन प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए फार्मूला है n+1/2। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सम संख्याओं को देखेंगे, फिर भी सम संख्याओं को देखेंगे। तो देखिए बच्चे हम लोग अब क्या देखेंगे, सम संख्याओं का योग, आपका औसत। अगर सम संख्याओं का औसत निकालने की बात करेगा तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं सम संख्याओं का औसत, कैसे निकालेंगे वो मैं बात करता हूं। और योग आपको याद होगा तो योग का फॉर्मूला कैसे बताया थे, n+1, अगर सम संख्याओं को निकालना है, सम संख्याओं का औसत, एवरेज, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है बच्चों, क्या करना है, n+1/2, जब क्या करेंगे 19 पदों से आपको भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा n+1। डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक पहले तो हम आपको बता रहे हैं औसत। देखिए हम लोग योग क्या सीखे थे, फार्मूला वही काम कर रहा है, ये वाला पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग के लिए यन यन प्लस वन बटे पदों की संख्या, यन ही पद होते हैं तो यन से यन कट जाता तो बन जाता क्या फार्मूला, n+1। अगर सम संख्याओं का औसत निकालना है तो आप यही लिखेंगे, यहां लिख दे रहा यन सम संख्याओं का औसत बराबर आपका फार्मूला हो जाता है। मतलब जितने पद रहेंगे उसमें एक जोड़ दीजिए, आपका फार्मूला बन गया, ठीक है ना, जितने भी पद रहेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बोलेगा 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10+1 मतलब 11 आंसर हो जाता है। तो ये फार्मूले से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं विषम को बताऊं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन एक दो करवा देते हैं। तो अब बच्चे इसका अगले टर्म से पहुंचते हैं, विषम संख्याओं का औसत। अभी हम लोग सीखे सम संख्याओं का, फिर इसके पहले भी सीखे थे प्राकृत संख्याओं का। अगर इसका निकालना है तो यहाँ डायरेक्टली फार्मूला लिखा सकते हैं। आपको याद होगा अगर विषम संख्याओं का योग निकालना था तो यन का स्क्वायर, अगर बोल रहा है आपसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालना था तो आपको मैं सिखाया था कि 10 का स्क्वायर कर देना है, जितने पद का कहता है उसका स्क्वायर कर देना है। तो एवरेज में क्या करेंगे, यन स्क्वायर बटे, अगर यन करेंगे तो यन से यन कट जाएगा, इसका मतलब यन ही इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर यन विषम संख्याओं का औसत निकालना है, यन विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो आप क्या कर लेंगे, कैसे निकलता है, यही तरीका, पदों का योग, पदों का योग के लिए फार्मूला यन स्क्वायर, कितने पद है, यन पद है, क्योंकि यन विषम संख्या है तो यन से यन कट जाता है तो ये यन हो जाएगा, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। अगर आपसे कहता है 15 विषम संख्याओं का औसत निकालिए तो आपका आंसर 15 हो जाएगा, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो 100 ही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जितने पद कहेगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपका आपका यहां से क्या बोल रहा है, यन ही हो जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे सम विषम और आपका प्राकृत। तो इतनी प्रकार से इस पे क्वेश्चन बनते हैं,
एक लास्ट में मैं बताता हूँ फार्मूला जो सबके लिए काम करेगा, आपको ज्यादा फार्मूले करने की जरूरत नहीं है, बट उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? वो प्रथम से क्वेश्चन स्टार्ट होने चाहिए। तो देखिए इसके लिए मैं एक फार्मूला आपके लिए लिखवा दे रहा हूँ जो सबके लिए काम करेगा, सबके लिए काम करेगा, और वो क्या है? औसत क्या है? पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में दो। तो ये सबके लिए फार्मूला काम करेगा। शर्त क्या है? संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए, सर्वांतर जिसको बोलते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। मैं इसको समझा रहा हूं, ये बातें क्यों लिख रहा हूं, समान होना चाहिए। इसका मतलब ये अभाज्य संख्याओं के लिए नहीं यूज होगा क्योंकि इसमें सर्वांतर समान नहीं होता है। जैसे समझिए, अगर प्राकृत लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, ये सर अंतर क्या समान होना चाहिए? देखिए इनमें भी एक जोड़ा है, इनमें भी एक जोड़ा है, इनमें भी एक जोड़ा है, इनमें भी एक जोड़ा, मतलब अंतर समान आ रहा है। अगर सम संख्या लिख दिए तो 2, 4, 6, 8 लिख रहा हूँ, सब में दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर, इसका मतलब इसमें भी सर्वांतर समान है। विषम संख्या लिखेंगे उसमें भी दो दो का अंतर होगा। तो ये सबके लिए काम करेगा। पहले पद प्लस अंतिम पद बटे दो कर देना है, सबके लिए फार्मूला हो जाएगा। वैसे तो मैं फार्मूला और लिखवा ही दिया हूं। तो अगर आप सही इसी का औसत की बात करेगा, देखिए क्या है, 2, 4, 6, 8 का औसत की बात करता है। प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 8 है, 8 और 2 जोड़ देना है, 10 बटे 2 कर देना है, आंसर 5 हो जाएगा। आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या लिखवाए थे? जितने पद होंगे, कितनी विषम संख्याएं हैं? 5 विषम संख्या है, 4 विषम संख्या, 4 विषम संख्या, तो फार्मूला क्या था? n n+1, ठीक है ना। तो ये योग का था, बटे n करते तो कट गया था, तो n+1 ही बन गया था। इसका मतलब 4 पद है विषम, तो 4 है तो 4 में एक जोड़ देंगे तब भी 5 आ जाता। तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। कल इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इस पे डिपेंड सारे क्वेश्चन जो विगत वर्ष में आए हुए क्वेश्चन है, उसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।